मैं छोटेलाल वर्मा, एडवोकेट, महामंत्री जिला अधिवक्ता संघ झांसी, संभावित प्रत्याशी मेयर भारतीय जनता पार्टी, मैं समस्त नगरवासियों का, क्षेत्रवासियों का, अपने आम जनता का, पत्रकार बंधुओं का, बुद्धिजीवियों का, अपने समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों का हृदय से उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मुझे भी इस मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद के लिए मेरा आवेदन स्वीकार करें। क्या ऐसा है, देखो मैं अहरवार समाज से हूं और झांसी में जब से मैं वकालत कर रहा हूं 30-35 साल से, तो वर्मा में छोटेलाल वर्मा लिखता हूं, लेकिन मैं अहरवार समाज से हूं। सिवाई नगर में पूनम मैरिज गार्डन के सामने मेरा मकान है। मैं यहाँ 30-35 साल से झांसी में रह रहा हूँ। मेरे बच्चों की पूरा जन्म यहीं झांसी में हुआ है। मेरी जमीन जायदाद जो गांव में है, जो हमारे जन्म हुआ है, वो हमारा गांव का है। बाकी मैं 30-35 साल से अपने झांसी में रह रहा हूँ। झांसी में रह करके अपनी वकालत व्यवसाय कर रहा हूँ और झांसी में रहकर ही यहाँ के अधिवक्ता बुद्धिजीवियों भाइयों ने मुझे महामंत्री पद पर चयनित कराया है और आज मैं महामंत्री पद पर जिला अधिवक्ता संघ में वर्तमान में हूँ। और का मुद्दा है जावार महापौर के लिए? देखिए, ये हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, जो उनका जनादेश होगा वो हमारे हर तरह से मैं उनको उसके लिए मानने के लिए तैयार हूँ, जो भी निर्णय है। लेकिन मैं महापौर के लिए संभावित प्रत्याशी हूँ और आवेदन मैंने किया है और मैं चाहता हूँ कि पढ़े लिखे होने के नाते, एक अधिवक्ता समाज से आने के नाते महामंत्री पद पर हूँ। ऐसे झांसी के इतने महानगर में पहली बार कोई अहरवार समाज का महामंत्री पद पर मैं विजय घोषित की है, तो मैं चाहता हूँ कि झांसी के विकास के लिए जो भी, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, किसी भी तरह की, तो उसके लिए मैं तन मन धन से हर तरह से जितनी मेरी शक्ति होगी झांसी के विकास कार्यों में पूर्ण रूप से जोड़ दूंगा। झांसी वासियों की किसी भी समस्या के लिए आधी रात में उनकी सेवा करने के लिए तत्पर, आज भी मैं वकालत व्यवसाय में, अगर मेरे किसी अधिवक्ता भाई का कोई भी जरा सा एक फोन आता है तो मैं कहता हूं जितना मुझे समय आप तक आने का, वो समय मैं नहीं चाहता हूं, बाकी मैं 5 मिनट 10 मिनट में, मैं चाहे 2 बजे रात में हूं चाहे दिन का हूं, उनकी समस्या के लिए तुरंत तुरंत खड़ा हो जाता हूं। आज उनका मेरे प्रति स्नेह भी है, इस बात को वो मानते हैं। तो छोटेलाल वर्मा ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता है। मैं हर तरह अधिवक्ताओं की समस्या के लिए, इसके नगरवासियों की समस्या के लिए, पीड़ित परिवारों की समस्या के लिए जो लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ाई लड़ी है और लड़ता जा रहा हूं। अब मेरा सवाल यह है कि मैं ने जो भी, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने सदस्यता ग्रहण की, मैंने चाहे गरोठा विधानसभा हो, मऊरानीपुर विधानसभा हो, बबीना विधानसभा हो, झांसी विधानसभा हो, मैंने सब समाज के साथ में अपने अहरवा समाज को भी इस भारतीय जनता पार्टी में मतदान के लिए प्रेरित किया है, मतदान कराया है। और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक, आज जो हमारा अहरवा समाज इधर उधर बिखरा हुआ है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि सरकार की नीतियां देखें, सरकार की जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, वो अभी तक तो मेरे समान इस समाज को किसी ने ऐसा नहीं किया, जो अहरवा समाज को भारतीय जनता पार्टी ने कई पदों पर भेजा है, कई नौकरियों में आरक्षण दिया है। ऐसे जो गरीब निर्धन परिवार हैं उनको मकान, आवास, बिजली, जो सिलेंडर वगैरह है, आज राशन जो गांव में, देहात में, शहर में निःशुल्क दे रहा है, किसी गवर्नमेंट ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। जो भारतीय जनता पार्टी आज जो देख रही है कि गरीब परिवारों के पास, जिनके पास 2 रुपए नहीं थे और 2 रुपए ना होने के बाद में फ्री राशन व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पहला काम किया है। जैसे हमारे जो बच्चे मेधावी छात्र हैं उनको कंप्यूटर दे रही है, लैपटॉप दे रही है, मोबाइल स्मार्टफोन दे रही है, ऐसा शिक्षा के जगत में हो चाहे स्वास्थ्य के जगत में हो, जो भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है, मेरे तो समझ में ऐसा कोई सरकार ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी से लोगों का जुड़ने का क्या है? आज जो मान के चलो गुजरात में देखिएगा, लोग बात कर रहे थे गुजरात में सीटें कम हो जाएंगी, आज जो प्रचंड बहुमत से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की प्राप्त किया है, उसका रिकॉर्ड बन गया है। झांसी की बात कर रहे हैं अपन, झांसी के अंदर कैसो का माहौल देखने को मिल रहा है, कितने अधिवक्ता आपके संग में लगे, झांसी की जनता का कह रही प्रेजेंट में, कितने जनसंपर्क, कितने मोहल्ला हो? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मैंने तो अभी आवेदन दिया है भाई साहब, और आवेदन देने के बाद में
हमारा पूरा अधिवक्ता समाज हमारे साथ है, नगरवासी भी हमारे साथ में है, हर वर्ग का, ऐसा नहीं है कि हर वर्ग समाज हो, हर वर्ग का आदमी वो जानता है कि पढ़ा लिखा आदमी है, इस समय वर्तमान में जिला अधिवक्ता पद पर महामंत्री पद पर बैठा हुआ है। तो मैं उनकी यहाँ के नगरवासियों की जो भी समस्या होगी हर समस्या की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे वो किसी भी विकास के मामले में हो, मैं कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ करके आपका अभिनंदन, ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का, नगरवासियों का, अपने पत्रकार बंधुओं का, अधिवक्ता बंधुओं का पुनः हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। इसी के बाद में जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।